पीएम छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। यहां 4 एमओयू पर साइन किए गए, एक स्वयं संस्था समूह को गाड़ी की चाबी दी गई है। हिंसा के नशे में आपने कितना बड़ा पाप कर दिया है। एक बार मानवता को अंगीकार करके राक्षसी वृत्ति से मुक्ति पा करके ज्यादा नहीं कुछ पल इन पीड़ित परिवारों से जरा मिल लीजिए, आपको फिर कभी उस रास्ते पर जाने की नौबत नहीं आएगी। आपको भी लगेगा कि आपने कुछ गलत किया है। कोई सरकार आपको बदले, कोई कानून आपको बदले, कोई लोभ लालच आपको बदले, उससे ज्यादा आप ही की गोलियों से पीड़ा पाने वाला एक बालक आपकी जिंदगी बदल सकता है। शर्त यही है कि मानवता का अंगीकार करके कुछ पल उसके साथ बिता के देख लीजिए। मैंने देखा उन बच्चों को, आज हिंसा से कभी समस्याओं का समाधान नहीं हुआ है। मिल बैठ करके रास्ते निकल सकते हैं और छत्तीसगढ़ अगर इस संकट से मुक्त हो जाए, मैं विश्वास से कहता हूं हिंदुस्तान में आर्थिक ऊंचाइयों पर नंबर एक पर छत्तीसगढ़ आके खड़ा हो सकता है। यहां के नौजवानों का भविष्य बदल सकता है और छत्तीसगढ़ के पास वो ताकत है, वो हिंदुस्तान का भविष्य भी बदल सकता है। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, विकास एक ही मार्ग है जो हमारी समस्याओं का समाधान करेगा। मुझे आज रमन सिंह जी की लाइवलीहुड कॉलेजेस को भी देखने का अवसर मिला। उन्होंने पूरे राज्य में उसकी जाल बिछाई है। दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश हो तो भी एक बात आज उसका प्रमुख काम बन गया है। दुनिया के सुखी देश भी स्किल डेवलपमेंट को महत्व दे रहे हैं। हुनर सिखाने के लिए दुनिया में हर देश में प्रायोरिटी हो गई है। छत्तीसगढ़ के अंदर हुनर से शिखर तक पहुंचने का जो अभियान चलाया गया है वो काबिले दाद है, मैं देख के आया। और मैंने उन बालक बालिकाओं को देखा, हाथ में हुनर तो है लेकिन आंख में ओझ है, तेज है और बातों में एक अपरंपार विश्वास है। बड़े बड़े अफसर भी सीएम या पीएम से बात करनी है तो कुछ पल तो सेट होने में टाइम लगता है। मैंने देखा ये बच्चे फटाफट बातें करते थे, कोई झिझक नहीं थी उनकी बातों में, कोई झिझक नहीं थी। ये जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये जीवन में आगे बढ़ने की एक बहुत बड़ी अमानत होता है, वो मैं आज देख के आया। स्किल डेवलपमेंट का मिशन लेकर के देश में हम चल रहे हैं क्योंकि हमारे देश के नौजवानों को रोजगार देना है और रोजगार देना है तो स्किल डेवलपमेंट सर्वाधिक सरल मार्ग होता है। जीवन के हर क्षेत्र में हर नौजवान के हाथ में हुनर हो, जिसके हाथ में हुनर होता है उसको कभी जीवन जीने के लिए हाथ फैलाने की नौबत नहीं आती है। वो अपने बलबूते पर अपनी शर्तों पर जिंदगी जी सकता है, उसे कभी मजबूर नहीं होना पड़ता है। और उस काम को इन लाइवलीहुड कॉलेज के माध्यम से रमन सिंह जी ने आप चरितार्थ किया है। देश के अन्य राज्यों के लिए भी ये अपने आप में एक मिसाल बन सकता है। मैं चाहूंगा, मैं भी प्रयास करूंगा कि देश के और राज्य भी आकर के इसको देखे, इस मॉडल को समझे और इसको कैसे लागू किया जा सकता है उस पर चर्चा करें। भाइयों बहनों,
आपने हमें भारी बहुमत के साथ आपकी सेवा करने का अवसर दिया है। छत्तीसगढ़ पूरी ताकत के साथ हमारे पीछे खड़ा है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जितना आपने दिया है हम ब्याज समेत विकास करके लौटाएंगे। आज तेंदुपत्ता वाले हमारे किसान भाइयों बहनों को बोनस देने का भी मुझे सौभाग्य मिला और उनको भी मैंने पूछा क्या करोगे, हरेक से मैंने पूछा और हरेक को पता है कि इन पैसों का उपयोग अपने बच्चों की जिंदगी संवारने के लिए कैसे करना, इसका खाका उनके दिमाग में साफ है। यही तो है हरेक का एस्पिरेशन, उसको पूर्ण करने का हमारा प्रयास है। एक समय था हिंदुस्तान की तरफ दुनिया कैसे देखती थी, ज्यादातर तो देखने के लिए तैयारी नहीं थी और जो देखते थे वो भी बड़े उपेक्षा के भाव से देखते। तो प्रधानमंत्री लोगों को संबोधित करते हुए साथ ही उन्होंने कहा है कि उन्होंने जो किए वादे हैं वो जरूर पूरे करेंगे। विश्व के समृद्ध देशों को भी हिंदुस्तान की अहमियत को मानना पड़ा कि नहीं मानना, इसको सर झुका करके जीने की जरूरत नहीं है। उस वक्त चला गया, अब ये 125 करोड़ देशवासी का संकल्प है कि हमारा देश माथा ऊंचा करके आंख में आंख मिला करके सीना तान करके जीने के लिए पैदा हुआ है, झुकने के लिए पैदा नहीं हुआ है। और वो शक्ति हमारे भीतर पड़ी है, 125 करोड़ देशवासियों के भीतर पड़ी है। उस शक्ति को मैं भली भांति पहचानता हूं, उस सामर्थ्य को मैं भली भांति पहचानता हूं और विश्व में किसी से बात करता हूं तो अकेला मोदी बात नहीं करता है, 125 करोड़ देशवासी एक साथ आंख मिला करके बात करते हैं। और विश्व आज हिंदुस्तान का लोहा मानने लगा है, पूरा विश्व मानने लगा है कि आज दुनिया में तेज गति से आर्थिक विकास करने वाला कोई देश है सारे संसार में तो उस देश का नाम है हिंदुस्तान। कितनी तेजी से परिवर्तन आ रहा है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको जीवन भर लोगों को गरीब रखने में ही आनंद आया, दुखी रखने में ही आनंद आया। प्रधानमंत्री दंतेवाड़ा में मौजूद हैं जहां उन्होंने लोगों को संबोधित किया और कहा कि नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ दें, हुनर सिखाने में उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि हिंसा का कोई भविष्य नहीं है, विकास जंगल के अंदर तक पहुंचे, विकास की किरण, इस तरफ भी उन्होंने इशारा किया है और साथ ही कहा है कि जिस तरह का समर्थन उन्हें मिला है उसकी वापसी वो विकास के रूप में करेंगे। हिंसा का कोई भविष्य नहीं होता, हिंसा के रास्ते का कोई भविष्य नहीं, प्रधानमंत्री ने इस बारे में भी जोर दिया है। सबके बच्चों को रोजगार चाहिए, बस्तर की जिंदगी को में बदलाव आएगा। बहुत बड़े बड़े बातें की हैं, बड़े बड़े वादे किए हैं और कहा है कि लोगों की जिंदगी बदलने के लिए वो कोशिश करते रहेंगे। पिछली सरकार को भी लेकर उन्होंने निशाना साधा, उन्होंने कहा है कच्चा लोहा हमारा तो स्टील भी हमारा ही होना चाहिए, कंधे पर बंदूक से समस्या का हल नहीं होगा। छत्तीसगढ़ को नक्सल संकट से मुक्त होना जरूरी है और उन्होंने कहा है कि इस दिशा में कदम उठाए गए हैं और आगे भी उठाए जाते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में नंबर वन होने की सारी संभावनाएं हैं, बस उस दिशा में काम करने की जरूरत है। तो दंतेवाड़ा में जनसभा को संबोधित किया, इस जनसभा से पहले उन्होंने कुछ बच्चों से भी बातें की और उन्हें अपने मन की बात कही। प्रधानमंत्री ने और क्या कुछ कहा है आइए सुनते हैं। चिट्ठी पर्ची से कोयले की खदानें दे देती,
आज हमने सार्वजनिक रूप से ऑक्शन किया और वो खजाना राज्य की तिजोरी में दे दिया। कौन एक ऑक्शन का पैसा राज्य की खजाने में आ गया। इतना ही नहीं, जहां पर खनिज निकलता है उस इलाके के जो जिले हैं और ज्यादातर पूरे देश में आदिवासी क्षेत्र हैं जहां पर खनिज संपदा है, वहां हमने स्पेशल संगठन की रचना की है कि वहां से कुछ हिस्सा वहां के लोगों के कल्याण के लिए खर्च कर दिया जाएगा। पहली बार गरीबों के लिए रुपये तिजोरी से निकालने का काम हो रहा है।